जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की मैं एक यहां एक शेयर करना चाहूंगी जो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको मिलने गई बनीगाला में, प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त। मैं ये बात बाहर मीडिया के सामने भी कर सकती थी, मैं अपनी वीडियो बयान भी जारी कर सकती थी, यहां इसलिए कर रही हूं ताकि किसी के दिल में कोई शक ना रहे कि मैं यहां इस छत के नीचे खड़े होकर इस मौजूद जबान में झूठ बोलूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब, आसमा कदीर साहिबा मौजूद थे, ये जो हमें आज इल्जाम लगा रहे और कह रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा आपके, मैं आपको बिल्कुल मनन वो बात बता रही हूं जो मेरी इनसे वो आखिरी मीटिंग हुई। मैं उस वक्त तुर्की के दौरे से वापस आई थी। इन्होंने कहा आप अपोजिशन से रबते में हैं? मैंने कहा जी हूं। मुझे कहते हैं आप किस किस से मिली हैं? हमने सुना है फला फला ने आपको अप्रोच किया। मैंने इनसे कहा जी आपके पास शायद कम बंदों के नाम है, मुझे फला ने भी अप्रोच किया है। मैंने इनको झूठ नहीं बोला, मैंने इनको सच बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात के गवाह हैं, आमिर डोगर इस बात का गवाह है, वो कर जाए तो और बात है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आपसे बहुत शिकायत है। कहते हैं आपको जाती शिकायत है? मैंने कहा नहीं सर, जाती नहीं है, जाती होती तो सब जाती तो क्या है, किस लिए बैठी हूं। मुझे जब 4 साल गुजर गए हैं, मुझे अपने हल्के और बहुत से, लेकिन इस टाइम मैं आपको मनोवन स्पीकर साहब वो बात बता रही हूं जो मेरे उनके दरमियान बात हुई। मैंने कहा मैं इस टाइम आप खान साहब, इस टाइम टाइम नहीं है, आप मुश्किल में है कि मैं आपको शिकायतें सुनाऊं बैठ के। हां लेकिन मैं अपोजिशन की हम ख्याल भी हूं, मैं उनसे मुलाकातें भी करती हूं, और कोई जुर्म भी नहीं है क्योंकि आप सब लोग करते हैं, तो मेरा कोई जुर्म नहीं है। वोट की बात हुई, उन्होंने फरमाया कि अच्छा ठीक है आपने हमें बताया सच। मैंने कहा नहीं, मैं आपको पूरा सच बता देती हूं, शायद किसी आदमी में भी इतनी हिम्मत ना हो, मैं आपको बताती हूं और शायद मैं आगे भी मिलूं, मैं आपसे नहीं करती। हां मैं एक बात आपसे वादा करके जाती हूं, क्योंकि मैं आपको वालिद साहब की तरह हमेशा आपकी इज्जत की है, अभी भी करती हूं, कि मैं वोट आपके खिलाफ कास्ट नहीं करूंगी। बेशक ये मेरा आईनी हक है, मैं कर भी सकती हूं, लेकिन ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से आप वसीला बने हैं और ये सीट मुझे आपने दी। आप मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारी मेहनत के नतीजे में तुम्हें ये हमने नवाजा है, जो बाद में हमें तोहफे सुना रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा ये वादा जरूर है कि मैं आपके खिलाफ वोट कास्ट नहीं करूंगी। ये मेरी उनसे बात हुई और मैं उठ के वहां से वापस आ गई। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने कौन सी खिलाफ वर्जी की कि मुझे आईन भी इसका हक देता है, कानून भी देता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता मैं नाअहल हो जाती। तो फिर वो झूठ बोलते हैं आके। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो हमें करोड़ों 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 का इल्जाम लगा रहे हैं, साबित कर सकते हैं? वो तो 4 साल में मियां नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके, जिनको वो कहते हैं शहजाद बकर अकबर अब ये लेके आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं, अब फलाने की टीटियां आ रही हैं, फलां के साथ ये हो गया, मुझे ये तो बताएं। फिर कहते हैं कि करप्शन, खुसरो बख्तियार पे कोई केस नहीं है, हाशिम जमा बख्त पे कोई केस नहीं है, सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था, अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे उधर अलीम खान साहब। अभी मैं कितनों के नाम लूं जो नैब ज्यादा इनकी आदि ज्यादा कैबिनेट थी, कितनों के नाम लूं जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट बनाई इन्होंने। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की मैं एक यहां एक शेयर करना चाहूंगी जो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको मिलने गई बनीगाला में, प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त। मैं ये बात बाहर मीडिया के सामने भी कर सकती थी, मैं अपनी वीडियो बयान भी जारी कर सकती थी, यहां इसलिए कर रही हूं ताकि किसी के दिल में कोई शक ना रहे कि मैं यहां इस छत के नीचे खड़े होकर इस मौजूद जबान में झूठ बोलूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब, आसमा कदीर साहिबा मौजूद थे, ये जो हमें आज इल्जाम लगा रहे और कह रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा आपके, मैं आपको बिल्कुल मनन वो बात बता रही हूं जो मेरी इनसे वो आखिरी मीटिंग हुई। मैं उस वक्त तुर्की के दौरे से वापस आई थी। इन्होंने कहा आप अपोजिशन से रबते में हैं? मैंने कहा जी हूं। मुझे कहते हैं आप किस किस से मिली हैं? हमने सुना है फला फला ने आपको अप्रोच किया। मैंने इनसे कहा जी आपके पास शायद कम बंदों के नाम है,
मुझे फलां ने भी अप्रोच किया है, मैंने इनको झूठ नहीं बोला, मैंने इनको सच बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात के गवाह हैं, आमिर डोगर इस बात का गवाह है, वो कर जाए तो और बात है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आपसे बहुत शिकायत है। कहते हैं आपको जाती शिकायत है। मैंने कहा नहीं सर, जाती नहीं है, जाती होती तो सब जाती तो क्या है, किस लिए बैठी हूं। मुझे जब 4 साल गुजर गए हैं मुझे अपने हल्के और बहुत से, लेकिन इस टाइम मैं आपको मनोवन स्पीकर साहब वो बात बता रही हूं जो मेरे उनके दरमियान बात हुई। मैंने कहा मैं इस टाइम आप खान साहब इस टाइम टाइम नहीं है, आप मुश्किल में है कि मैं आपको शिकायतें सुनाऊं बैठ के। हां लेकिन मैं अपोजिशन की हम ख्याल भी हूं, मैं उनसे मुलाकातें भी करती हूं और कोई जुर्म भी नहीं है क्योंकि आप सब लोग करते हैं तो मेरा कोई जुर्म नहीं है। वोट की बात हुई, उन्होंने फरमाया कि अच्छा ठीक है आपने हमें बताया सच। मैंने कहा नहीं मैं आपको पूरा सच बता देती हूं, शायद किसी आदमी में भी इतनी हिम्मत ना हो, मैं आपको बताती हूं और शायद मैं आगे भी मिलूं, मैं आपसे नहीं करती। हां मैं एक बात आपसे वादा करके जाती हूं क्योंकि मैं आपको वालिद साहब की तरह हमेशा आपकी इज्जत की है, अभी भी करती हूं, कि मैं वोट आपके खिलाफ कास्ट नहीं करूंगी। बेशक ये मेरा आईनी हक है, मैं कर भी सकती हूं, लेकिन ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से आप वसीला बने हैं और ये सीट मुझे आपने दी। आप मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारी मेहनत के नतीजे में तुम्हें ये हमने नवाजा है, जो बाद में हमें तोहफे सुना रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा ये वादा जरूर है कि मैं आपके खिलाफ वोट कास्ट नहीं करूंगी। ये मेरी उनसे बात हुई और मैं उठ के वहां से वापस आ गई। जनाब स्पीकर मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने कौन सी खिलाफ वर्जी की कि मुझे आईन भी इसका हक देता है, कानून भी देता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता मैं नाअहल हो जाती। तो फिर वो झूठ बोलते हैं आके। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो हमें करोड़ों 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 का इल्जाम लगा रहे हैं साबित कर सकते हैं? वो तो 4 साल में मियां नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके, जिनको वो कहते हैं शहजाद बकर अकबर अब ये लेके आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं, अब फलाने की टीटियां आ रही हैं, फलां के साथ ये हो गया, मुझे ये तो बताएं। फिर कहते हैं कि करप्शन, खुसरो बख्तियार पे कोई केस नहीं है, हाशिम जमा बख्त पे कोई केस नहीं है, सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था, अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे उधर अलीम खान साहब। अभी मैं कितनों के नाम लूं जो नैब ज्यादा इनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट थी, कितनों के नाम लूं जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट बनाई इन्होंने। जनाब स्पीकर मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने कौन सी खिलाफ वर्जी की कि मुझे आईन भी इसका हक देता है, कानून भी देता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता मैं नाअहल हो जाती। तो फिर वो झूठ बोलते हैं आके। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो हमें करोड़ों 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 का इल्जाम लगा रहे हैं साबित कर सकते हैं? वो तो 4 साल में मियां नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके, जिनको वो कहते हैं शहजाद बकर अकबर अब ये लेके आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं, अब फलाने की टीटियां आ रही हैं, फलां के साथ ये हो गया, मुझे ये तो बताएं। फिर कहते हैं कि करप्शन, खुसरो बख्तियार पे कोई केस नहीं है, हाशिम जमा बख्त पे कोई केस नहीं है, सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था, अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे उधर अलीम खान साहब। अभी मैं कितनों के नाम लूं जो नैब ज्यादा इनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट थी, कितनों के नाम लूं जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट बनाई इन्होंने।